नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं सुदेश खबर। अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। पहली अहम खबर की बात करें तो कई सालों के उच्च स्तर पर महंगाई पहुंचने के कारण रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 0.50% बढ़ करके 4.9% हो गया है, या 2 महीने में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। वहीं दूसरी अहम खबर की बात करें तो ये बाजार से जुड़ी हुई है। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिल रहा है। एक और जहां निफ्टी 60 अंक टूटकर 16,350 के पास बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी बैंक भी 35,000 के अहम स्तर के नीचे फिसलता दिखा। आरबीआई के फैसले के बाद बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स पर ज्यादा दबाव दिखा। अब तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना का संकट एक बार फिर से गहराने लगा है और तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के नए मामलों में 40% का उछाल देखने को मिला है और कोरोना की महामारी ने 5,233 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। चौथी अहम खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के कई राज्यों में हमलों की धमकी दी है। अलकायदा ने भारत के 4 प्रमुख शहरों को सुसाइड बॉम्ब की धमकी दी है। धमकी के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और जांच शुरू हो गई है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ रेपो रेट 0.50% बढ़कर के 4.90% हो गया है। बता दें कि ये करीब एक महीने के अंदर रेपो रेट में लगातार दूसरी बार ये बढ़ोतरी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जून बैठक के बाद आज रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। बेकाबू महंगाई को देखते हुए समिति के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि फिलहाल रेपो रेट बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। Unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. For the current year is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%. Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2% and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. It may be noted that around 75% of the increase in inflation projections can be attributed to the food group. क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा, हर महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सौमित के पास।
तो पहले तो अगर होम लोन की अगर हम बात करें तो अगर किसी ने 20 साल का होम लोन लिया है 30 लाख रुपए का, तो अब के रेट पे जो 7.05 के आसपास है उधर ईएमआई पड़ता था उस इंसान को 23,350 रुपीस का, बट अब जो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है उससे अगर हम अज्यूम करते हैं कि नया इंटरेस्ट रेट करीब 7.55% का हुआ, तो जो ईएमआई में इंक्रीज होगा वो करीब 900 रुपए का होगा, और सालाना अगर हम देखें तो 11,000 रुपए से आम इंसान का खर्चा बढ़ जाएगा होम लोन के लिए 20 साल के लिए अगर 30 लाख का लोन लिया है तो। अब अगर हम कार लोन की बात करते हैं और उसमें हमने 7 साल का लोन पीरियड अज्यूम किया है और 10 लाख का लोन अमाउंट अज्यूम किया है, तो पहले के रेट पे जो 8.15 के आसपास था उसमें जो ईएमआई पड़ता था इंसान को, एक आम इंसान को, वो करीब 15,660 रुपीस का पड़ता था, अब ये बढ़ जाएगा करीब 250 रुपए से, और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 3,000 रुपए से बढ़ जाएगा आम इंसान के लिए, बट ये है 7 साल के लिए 10 लाख का लोन कार लोन। अब अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी हाई है करीब 9.6% का, तो उस पे अगर हम देखें तो अगर किसी ने 5 साल के लिए अगर पर्सनल लोन लिया है जिस 7.5 लाख रुपए का, तो उस पे जो ईएमआई पड़ता था एक आम इंसान को वो करीब 15,800 रुपीस का पड़ता था, और ये 184 रुपीस से अब बढ़ जाएगा क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुआ है, और सालाना खर्चा अगर हम देखेंगे तो 2200 रुपए से बढ़ जाएगा एक आम इंसान के लिए अगर उसने 5 साल के लिए 7.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है तो। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल जोशी जो कि अर्थशास्त्री हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले ये बताएं कि क्या है इस बढ़ोतरी के मायने आम आदमी के लिए जो आज आरबीआई ने ऐलान किया है, इसमें आप कौन से मिस देखते हैं और क्या हिट है इसमें? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर या अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखें तो लगभग 35 करोड़ लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन्स लिए हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम से लगभग 29 करोड़ लोगों ने लोन लिए हैं और बाकी के हम 6-7 करोड़ एमएफआई से जोड़ रहे हैं जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल्स का हमारा मानना है। तो 35 करोड़ लोगों को अगर हम देखें तो हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका 50% होता है, तो दैट मींस कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन को इंक्रीज्ड ईएमआई का बोझ सहन करना होगा जो काफी नेगेटिव हो सकता है प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, विच मींस कि आपकी जो डिमांड है वो काफी कम हो जाएगी। जब तक कि इन्फ्लेशन का सवाल है तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो फूड हो, ये तीनों में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से घटना नहीं है, तो इन्फ्लेशन तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन कॉमन आदमी को, आम आदमी को ये ईएमआई का बोरोइंग का काफी फटका पड़ेगा। इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा विच मींस कि उसके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो 7 दिन का हफ्ता था वर्किंग वीक वो कई इंडस्ट्रीज ने 6 दिन कर दिए हैं, 5 दिन कर दिए हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आरबीआई का कहना था कि 74.5% है और उससे ज्यादा बढ़ेगा, मेरे हिसाब से वो उतना नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, नॉर्मल मॉनसून, गुड एग्रीकल्चर, ये अजम्पशन है। हमारे खुद के जो विश्लेषण है वो ये है कि मॉनसून थोड़ा कम रहेगा, 85% के आसपास रहेगा और नॉर्मल नहीं रहेगा, या तो अतिवृष्टि होगी या कम वृष्टि होगी, जिसकी मायने है कि एग्रीकल्चर में हमको स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़ा नेगेटिव दिखाई देगा। ओवरऑल डिमांड सिचुएशन ठीक नहीं है, लोगों को काफी बोझ पड़ेगा। थैंक यू अतुल जी ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का, इनफैक्ट अगली बड़ी खबर। अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधे रुख करते हैं और देखते हैं कि क्या खबर है। अभी करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया, ये कुछ बिंदु मैंने कुछ बिंदु आपके सामने बताए जो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किसान कल्याण के लिए और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं इसमें तिल पर, तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी,
मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है, सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है, उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद एक दो के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हजारों करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपये इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम डेढ़ गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, ज्वार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम डेढ़ गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पर लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी और लागत प्लस 50% पे तो हमने किया ही। इससे अगर आप पहले की सरकारों की तुलना में देखेंगे, पहले कम खेती होती थी, न्यूनतम खरीद होती थी, उच्च आयात निर्भरता होती थी और अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य था। अब मोदी जी की सरकार के समय अधिक खेती होती है, उच्च एमएसपी के कारण खरीद में वृद्धि भी हुई, खरीद भी ज्यादा हुई और उसको एमएसपी भी ज्यादा देने का काम हुआ, कम आयात निर्भरता हुई और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो आज तक का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स, एलाइड ये $50 बिलियन से ज्यादा का हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में एक तरफ दाम बढ़ाने, योजनाओं को लाने, खरीद को बढ़ाने का लाभ किसानों की आय को बढ़ने में हुआ है और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने जहां दलहन तिलहन और पोषक अनाज फसलों के लिए एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, उसमें आप देख सकते हैं इनसे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, उनकी खरीद भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। दलहन तिलहन के एमएसपी बढ़ाने से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप 2018-19 में उत्पादन जो 220 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 270 लाख मीट्रिक टन मात्र 2.5-3 वर्षों में हो गया है और जो और जो 315 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि दलहन का 220 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 270 मीट्रिक टन और तिलहन का 315 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हुआ है।
इसी तरह से 2014-15 में 478 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई। ये मैं 2014-15 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2014-15 में धान की कुल खरीद 478 लाख मीट्रिक टन और कुल खर्च उस पर 67,000 करोड़ रुपया हुआ। इससे बढ़कर 2020-21 में ये 476 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 895 लाख मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है। यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ। ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूं, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय, किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही बाकी दाम मैंने आपको बता दिया। अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेकर अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी MSP होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में MSP 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया होगी। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी MSP दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की MSP 3600 रुपये थी बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3750 थी तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया MSP कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP कर दी है। उड़द 4350 रुपया जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी MSP अप कर दी है। मूंगफली 4000 रुपये थी 5850 इसके कर दिए। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम से हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर, वी विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस। ओके 91 सर, नमस्कार। नमस्ते शिष्य जी। सर MSP का बढ़ना, इसका एक पहलू यह है कि किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक इसका पहलू यह भी कि MSP बढ़ने। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बताते हुए कि खरीफ की फसलों में फाइनली बढ़ोतरी कर दी गई और बढ़ोतरी भी कम नहीं, 50% से ज्यादा फसलों में बढ़ोतरी की गई है, किसानों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। रुक करते हैं अगली खबर का। RBI ने कोऑपरेटिव बैंकों की होम लोन लिमिट बढ़ा दी है, यानी अब अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा रकम के होम लोन दे सकेंगे। साथ ही ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक अब रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे सकेंगे। क्या है पूरा ऐलान और उसका क्या असर होगा, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी के पास। जी बिल्कुल, RBI का आज मुख्य ऐलान तो रेपो रेट को लेकर ही रहा, जिससे EMI भी आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी ज्यादा ऐलान किए गए हैं, जिससे इस पूरे सेक्टर में आज रौनक देखने को मिली है। RBI ने कहा है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनकी ओर से इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की जो लिमिट है उसे बढ़ा दी गई है, यानी उसे दोगुनी कर दी गई है। पहला देखिए, जो Tier 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 30 लाख की लिमिट जो थी उसे बढ़ाकर अब 60 लाख कर दिया गया है। वहीं पहले जो Tier 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 70 लाख रुपए तक की जो हाउसिंग लोन की लिमिट थी उसे बढ़ाकर
1,40,00,000 रुपए कर दिया गया है। रूरल बैंक्स की बात करें तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स उनकी ओर से जो जिनके अभी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए सीमा 20,00,000 से बढ़ाकर 50,00,000 कर दी गई है। अन्य कोऑपरेटिव जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए सीमा 30,00,000 से बढ़ाकर 75,00,000 रुपए कर दी गई है। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि इससे लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप और साथ ही जो अफोर्डेबल कैटेगरी के हाउसेज हैं उनकी बिक्री में डिमांड देखने को मिलेगी, उनके लिए क्रेडिट फ्लो अच्छा होगा। खासतौर पर वो लोग जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और बात में छूट दी है, यानी वे अपने नेटवर्क के 5% तक का कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में की फाइनेंसिंग में लगा सकते हैं। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि हालांकि जो रेट्स हैं बढ़े ज़रूर हैं, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन अभी जो मोमेंटम है खरीदारी का वो बना रहेगा इंडस्ट्री में और इन दरों पर भी खरीदारी देखने को मिलेगी क्योंकि यूजर्स की ओर से काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिला है। खासतौर पर अब इन कदम से अफोर्डेबल सेगमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर, अब यूपीआई से लिंक होगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकेगा यूपीआई का पेमेंट, यानी कि जैसे अभी आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वो अब क्रेडिट कार्ड से भी पॉसिबल हो सकेगा। क्यूआर कोड भी आप स्कैन कर पाएंगे और उसका पेमेंट डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से करेंगे। इसकी शुरुआत होगी रुपे कार्ड से, आरबीआई गवर्नर ने आज इसका ऐलान कर दिया है। अब आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। कैसे काम करेगा ये बता रही हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी में एक तरफ जहाँ पे हमने देखा कि ब्याज दरें बढ़ी हैं, दूसरी ओर यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई यूजर्स के लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई ट्रांजैक्शन से लिंक कर सकेंगे। जी हाँ, इसकी आज सबसे पहले तो रुपए कार्ड से होगी, उसके बाद आपके मास्टर और वीज़ा कार्ड के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको लिंक किया जाएगा। इसका मकसद बस यही है कि जितना हो सके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इससे कनेक्ट किया जाए, यानी यूपीआई से कनेक्ट किया जाए। ये होगा कैसे हम आपको बता देते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करना होगा अपने यूपीआई पर, और जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एक चॉइस आएगी कि आपको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करनी है या डेबिट कार्ड के ज़रिए करनी है। आपको क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनना होगा और यूपीआई के ज़रिए आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इस पॉलिसी में निकल कर आई है वो ये है कि आपका जो ई मैंडेट दिया हुआ है रिकरिंग पेमेंट्स के लिए, जैसे कि अगर आप OTT पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको स्कूल फीस भरनी है, आपको मोबाइल के ब्रॉडबैंड का पेमेंट करना है, तो रिकरिंग पेमेंट्स के लिए जो ई मैंडेट है वो तो अनिवार्य हो गया था, लेकिन इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसकी लिमिट 5,000 रुपये से अब 15,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की ई मैंडेट यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। थैंक यू कविता ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आरबीआई पॉलिसी के ऐलान के बाद उसका बाजार पर असर पड़ना स्वाभाविक था और वो असर पड़ा। लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार गिरावट पर बंद हुए। बैंक निफ्टी 35,000 के अहम स्तर से फिसल कर बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल बता रहे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आज मार्केट को देखें तो आज आरबीआई की पॉलिसी का जो एक्शन था वो सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रह गया और उसके बाद बाजार जहां कल था वहीं पे आज भी बंद होते हुए दिखा है। और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कल के मुकाबले करीब 70 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पे दिखा। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी आज कुछ ज़्यादा दम नहीं दिखा। अगर SBI नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी आज ज़्यादा नुकसान में होता, लेकिन SBI ने किसी तरह से बैंक निफ्टी की गिरावट को थोड़ा सा कम कर दिया। आते सीधा सीधा सेक्टर्स पर, आज सेक्टर कौन से चले। जब आज आरबीआई के गवर्नर ये कह रहे थे कि हम रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट काउंटर के अंदर काफ़ी जोरदार मूवमेंट आया और रियल एस्टेट काउंटर्स यानी कि इंडेक्स वो अपने आप में चलता हुआ दिखा। आज दूसरा जो इंडेक्स था वो जो चला है वो है सरकारी बैंकों का खेमा, PSU बैंक, वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। और तीसरा था IT, फार्मास्यूटिकल्स भी चला, बट फार्मा के मुकाबले IT इंडेक्स काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। ये तीन बेसिक इंडाइसिस थे जो आज काफ़ी दम भरते हुए दिखे हैं। जहाँ पे आज थोड़ा नुकसान देखने को मिला वो था FMCG, जहाँ पे टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसी कंपनी कमज़ोर हैं। अब आते हैं सीधा आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टाटा स्टील, SBI और डॉक्टर रेड्डीज, ये तीन आज के टॉप गेनर्स बने हैं, जहाँ पे परसेंटेज में करीब 1-1.5% तक का उछाल आया। टिपिकली टाटा स्टील पुल बैक का ट्रेड था, SBI के अंदर आज लीडरशिप थी बैंक की क्योंकि ग्रामीण भारत में पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर फार्मास्यूटिकल्स का काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप वैसे आज लूजर्स के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, ITC दो ऐसे शेयर्स निकल के आए
जिन्होंने आज कमजोरी दिखाई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज बाजार में जोश नहीं भर पाया, बल्कि इसने बाजार को आज नीचे की तरफ ड्रैग करने का काम किया और 1 से 1.5% तक का नुकसान यहां पर भी हमको बंद होते हुए दिखा। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप जा पाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि फिर से जो GRM से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे कि MRPL, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। इसके अंदर आज फिर से बैक टू बैक हमको काफ़ी अच्छा गेन बनते हुए दिखा। और इसी कैटेगरी में अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिशमैन कार्बोरेंडम, ये अच्छा शेयर चला है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, एलगी इक्विपमेंट जैसे शेयर्स जो आज हमारे मेहमानों ने आपको दिए थे, इन सब के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। शेयर टूटा गुजरात गैस का, क्योंकि मोरबी के अंदर वो गैस को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लोग शिफ्ट कर रहे हैं रिलायंस और IOC की तरफ में, इसलिए आज गुजरात गैस सेकेंड डे था जो पिटता हुआ दिखा। इसके अलावा रेमंड्स के अंदर आज फिर से दबाव आया, आज 200 दिन की एवरेज को ब्रेक डाउन करने वाला शेयर बना अंबर एंटरप्राइजेस, और यहां पर भी आज नुकसान करीब करीब 5% के आसपास का था। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर आज का दिन सिर्फ इंट्राडे वोलेटिलिटी का दिन रह गया, और वैसे तो कुल मिला के नुकसान ही था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।